ओह हे गाइस, कैसे हो। तो आज हम करने वाले रियलमी 11 प्रो का एक रिटेल यूनिट का अनबॉक्सिंग, जो कि हम खरीदा था फ्लिपकार्ट का, जो AliExcess सेल दिया था फास्ट दिन में ही उसमें हम इसको खरीदा था। तो इस डिवाइस का जो हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड आपको देने वाले एक छोटा सा रिव्यू। एंड गाइस, आप हमारे चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस रियलमी 11 प्रो रिलेटेड या रियलमी रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। चलिए गाइस, सीधा हम आते हैं हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो आप देख सकते हो ये जो डब्बा है ये फ्लिपकार्ट से, एंड जो आप देख सकते हो इसको सील को मैंने ऑलरेडी ब्रेक कर लिया, क्योंकि डिलीवरी बॉय के सामने ओपन बॉक्स डिलीवरी था, इसलिए इसको हमने ऑलरेडी डिलीवरी बॉय के सामने सील को ब्रेक कर लिया था। तो आप देख सकते हो अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि येलो कलर का जो पैकेजिंग आता है, पैकेट आता है रियलमी की तरफ से, वही सेम डब्बा है रियलमी 11 प्रो ऊपर लिखा हुआ है। एंड ऊपर देख सकते हो राइट साइड में कॉर्नर में 5G का लोगो है। एंड आप देख सकते हो 11 प्रो मतलब जो रियलमी का जो नॉर्मल सा बॉक्स है सेम है, आप देख सकते हो। एंड जो आप पीछे के साइड में आप देख सकते हो कि कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन किया है, जैसे कि फास्ट में आप देख सकते हो 120Hz कार्व्ड विजियन डिस्प्ले, जो कि एक बहुत ही अच्छे है। एंड उसके बाद 100MP का OS कैमरा। एंड आप देख सकते हो डायमंड सिटी 7050 का आपको 5G चिपसेट एंड 67W की चार्जर विथ 5000 के बैटरी, जो कि एक बहुत ही अच्छे बात है। मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे है, मतलब 5000mAh के साथ 67W का चार्जर, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसका सील भी मैंने ऑलरेडी ब्रेक कर लिया था, ओपन बॉक्स डिलीवरी था इसलिए। तो आप देख सकते हो हम इसको अभी ओपन करेंगे, एंड ओपन करने के बाद ओपन हो जा। एंड ओपन होने के बाद आप देख सकते हो ऊपर जो रियलमी के हर डिवाइस के बॉक्स में ऊपर लिखा आता है वो है कि डेयर टू लीप। तो आप देख सकते हो इधर लिखा हुआ है कि डेयर टू लीप, एंड ऊपर के सेक्शन को हम ऊपर से साइड में रख देते हैं। एंड आप देख सकते हो अब आता है हमारा डिवाइस। तो आप देख सकते हो जो डिवाइस है वो बाहर से ही बहुत ही मस्त लग रहा है। तो अंदर हम देखेंगे, तो हम इस डिवाइस को लेकर अब इसको हम देखते हैं, इसको भी रख देते हैं साइड में। एंड ऊपर आप देख सकते हो और कुछ नहीं है, आप देख सो इसको रखते हैं साइड में। एंड आप देख सकते हो इसको भी रख देते हैं साइड में। एंड आप देख सकते हो जो ये देख सकते हो ये जो अडेप्टर है, आप देख सकते हो 67W का एक अडेप्टर। एंड आप देख सकते हो जो केबिल है, केबिल देखता हो कौन सा केबिल दिया है, आप देख सकते हो Type-A to Type-C केबिल, जो कि रियलमी हर डिवाइस में अभी दे रहा है Type-A to Type-C केबिल, जो कि चार्जर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि 67W का। एंड आप देख सकते हो इस पैकेट के अंदर क्या है, हम देखते हैं इसको ओपन करके। एंड इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर जो टीपीयू केस है जो रियलमी हार्ड डिवाइस में ही देता है वो आया है। एंड उसके बाद सिम इजेक्टर पिन और कुछ नहीं, इस सब को हम रखते हैं साइड में। एंड हम आते हैं हमारा मेन फोन के अंदर। तो आप देख सकते हो जो हमारे इस फोन है, फोन को हमने जो रैप से यहाँ से निकाल दिया, मतलब इसके अंदर से निकाल दिया। इसके निकलने के बाद आप देख सकते हो इसका जो वो भाई जो डिस्प्ले है ना, कर्व डिस्प्ले, जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है कर्व डिस्प्ले। उफ, जो पीछे का जो लुक है ना एकदम गजब का लग रहा है। जब मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था तो इसको ज़्यादा ऑरेंज लग रहा था, लेकिन जब मेरे हैंड में आया तो ये मतलब थोड़ा सा रोज गोल्ड टाइप या व्हाइट जैसा लग रहा है, जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है। एंड आप देख सकते कैमरा का जो मॉड्यूल है वो भी बहुत मतलब बिग कर दिया, मतलब बड़ा कर दिया। एंड आप देख सकते हो जो लेदर फिनिश आया ना, लेदर फिनिश तो मुझे बहुत ही मस्त लगा। एंड मिडिल में चेन जैसा वो भी बहुत ही अच्छा लगा, आप देख ही सकते हो। तो मतलब लुक वाइज तो मैं 10 out of 10 ही दूंगा, मतलब लुक वाइज, मतलब हाथ में जब इन हैंड फील भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड जो कर्व डिस्प्ले है, एंड जब आप इसको देखोगे तो बहुत ही प्रीमियम लगेगा, मतलब हैंड में जब लेके आप बाहर जाओगे या कहीं पे घूमने जाओगे तो बहुत मतलब बहुत ही मस्त प्रीमियम डिवाइस लगेगा। तो गाइज, हम इस फोन को जल्दी से हम सेटअप करेंगे, एंड सेटअप करने के बाद उसका आगे का प्रोसेस हमको आपको दिखाएंगे कि इसका डिस्प्ले कैसे है, मतलब कैसे इसका छोटा सा रिव्यू दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारे जो डिवाइस है इसको हमने सेटअप के लिए ऑन कर दिया है ना, ऑन करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप है हमें इसको कंट्री चूज करना पड़ेगा। तो आगे हम सेटअप करते रहते हैं, उसके पहले कह देते हो कि इस रियलमी 11 प्रो या रियलमी के कोई भी डिवाइस के बाहर बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्निकल वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। आपको कुछ भी पूछना है इस फोन के रिलेटेड या कोई अदर प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके डीएम कर सकते हो, या कोई भी अदर जो मेरे सोशल हैंडल है उसमें मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। तो मेरे सारे सोशल हैंडल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ फॉलो करो एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। तो गाइज, इसको भी हम स्किप कर देते हैं, तो आगे का स्टेप इसको स्किप कर दो। साइन इन हम मुझे बटन ही रहना है जिस सर हम
बाद में सेट कर लेंगे, तो मैंने बटन कर दिया, नेक्स्ट कर दिया एंड बहुत सारे परमिशन मांगेगा उसको अलाउ करके डन कर दिया। एंड आप देख सकते हो बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल करने के लिए कह रहे, तो मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है तो मुझे सिंपली आप स्किप कर दिया। एंड आप देख सकते हो रियलमी UI लिखा आ रहा है, तो हम अभी जो गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप देख सकते हो जो हमारा डिवाइस है वो सेटअप हो गया। तो गाइज अब हम जाएंगे फ़ोन के सेटिंग्स में, सेटिंग्स के अंदर जाके देखते हैं अबाउट डिवाइस के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो अबाउट डिवाइस के अंदर जाने के बाद आप देख सकते हो जो स्टोरेज है वो 128 GB के लगभग 23 GB उसने खा गया। एंड अब जो हमारा डिवाइस है वो 8 GB रैम वाला है। इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 13 भी देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छे बात है। तो गाइज इस डिवाइस का जो रियर साइड का जो बैक कैमरा आप देख सकते हो, पीछे लिखा हो कि 100 MP का वॉइस कैमरा। एंड इसका कर्व डिस्प्ले और भी ज़्यादा प्रीमियम देता है इस डिवाइस को। एंड आप देख सकते हो राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन की एंड पावर बटन आपको दिखने को मिलेगा। एंड पीछे आप देख सकते हो स्पीकर ग्रिल एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड जो सिम ट्रे वो दिखने को मिलेगा, मतलब नीचे साइड में आपको सिर्फ दिखने को मिलेगा। एंड आप जब लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा, एकदम प्लेन सा है, कुछ भी दिखने को नहीं मिलेगा। एंड आप देख सकते हो जो अपर साइड है, अपर साइड में आपको स्पीकर ग्रिल एंड नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिलेगा। तो गाइज इस डिवाइस के बारे में मुझे यही बताना कि प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छे है, जो कि हमने खरीदा था कि 22,500 में, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप चाहे तो इसको ले सकते हो, बहुत ही प्रीमियम डिवाइस लग रहा है। तो गाइज आगे भी इस भी Realme 11 Pro के बहुत सारे वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तब तक टाटा एंड बाय।